तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे 100 मीटर के लिए जो परफेक्ट वर्कआउट कैसे करना चाहिए, जिसमें आपका स्टार्ट हो सकता है, उसमें आपका फिनिश हो सकता है, चाहे कौन से भी एक्सरसाइज हो उसको आपको परफेक्ट किस तरह से करना चाहिए और कैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें दोस्तों हम चार या पाँच टिप्स बताएंगे आपको कि उसके वजह से आपका जो 100 मीटर का टाइम है वो बहुत अच्छे से आ जाएगा और आपका जो टाइम है वो कम तो आएगा ही, और बहुत अच्छे से आज एक्सरसाइज आपको बताऊंगा और ऐसे आपको चार या पांच टिप्स बताऊंगा उसके वजह से आपका जो 100 मीटर टाइम है वो अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप दोस्तों ग्राउंड पर आ जाते हो, जब हम लाइटली स्ट्रेचिंग तो करते हैं, उसके बाद जॉगिंग करते हैं, उसके बाद जो लाइटली ए बी से एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपको दोस्तों तीन या चार जो ए बी से एक्सरसाइज है वो आपको हर रोज़ करना है। हर रोज़ आपको ए बी से एक्सरसाइज करना है, उसकी वजह से आपका जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। और दोस्तों एक्सरसाइज होने के बाद जो हम तीन या चार 80 मीटर में स्टार्ट लगाते हैं वो भी आपको हर रोज़ लगाना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि स्टार्ट लगाने से आपका जो 100 मीटर का स्पीड है उसके साथ जो आपकी लेग मूवमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। आपके हाथ चलाने की मूवमेंट है, पैर चलाने की मूवमेंट है, वो सभी एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छी तरह होती है। इस तरह से आप वर्कआउट करती है तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हम कुछ वर्कआउट आपको बताते हैं, उस वर्कआउट को भी आप फॉलो कर। 100 मीटर में कुछ स्पीड और स्ट्रेंथ बनाने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करना है, यहाँ पर हम सी स्किप करेंगे और हमें सिर्फ 15 या 20 मीटर में एक्सरसाइज करना है। हमें 20 मीटर में एक्सरसाइज करना है और हर एक एक्सरसाइज की दो सेट लगानी है। ऐसे आपको दोस्तों दोनों प्रेफर करना है। एक्सरसाइज हमें किस तरह से कर रहा हो आप अच्छे से देखना, इसी तरह से आप एक्सरसाइज करना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एंकल बाउंस करेंगे, इससे आपके काफ स्ट्रेंथ अच्छे से बढ़ती है और आपका स्पीड बढ़ता है। और फिर उसके बाद हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो ब्रॉड जंप कर रहे हैं, और ब्रॉड जंप भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, क्योंकि ब्रॉड जंप लगाने से आपके पैरों में अच्छे से स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके लेग में पावर बढ़ती है और आप 100 मीटर आसानी से भाग सकते हैं और आपका जो टाइम है वो भी कम हो जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम टिप्स नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों जब आप 100 मीटर करते हो तो आपका स्टार्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। आप जब स्टार्ट लगाते हो तब आपको दोस्तों 15 या 20 मीटर में बहुत अच्छे तरह से स्टार्ट होना चाहिए। दोस्तों अभी हमने जो स्टार्ट लिया, इस तरह से आपको हफ्ते में 2 बार स्टार्ट ज़रूर लेना चाहिए। 10 या 15 मीटर में आपको स्टार्ट ज़रूर लेना चाहिए, इससे आपका स्टार्ट अच्छा हो जाता है। और नेक्स्ट टिप्स की बात करेंगे, जब आप दोस्तों आपको रेपिटेशन, दोस्तों आपको 50 मीटर 60 मीटर इस तरह से रेपिटेशन लगाना चाहिए, जिसके वजह से आपका स्पीड भी अच्छा हो जाएगा। और दोस्तों 50-60 मीटर के आपको 7 या 8 रेपिटेशन लगाना चाहिए, तभी आपका स्पीड अच्छा बनता है। हमें दोस्तों 50 से लेकर 60 मीटर तक आपको रेपिटेशन लगाना चाहिए, और ऐसे आपको 50 मीटर के 4, 60 मीटर के 4 इस तरह से रेपिटेशन लगाना चाहिए, क्योंकि इससे वजह से आपका स्पीड है वो 100% अच्छा हो जाता है। और ये सभी एक दस्ताज अच्छे से करना, आपका टाइम ज़रूर कम होगा।